बिहार की फिजाओं में सियासत है, ये बात इस दावे के साथ कह सकते हैं। पहले नीतीश कुमार का एनडीए का साथ, फिर चिराग पासवान का एनडीए छोड़ने की अफवाह। बिहार की सियासत में लगातार उठापटक जारी है, लेकिन असली राजनीति तो अब हो रही है। जातीय जनगणना को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर रविवार को 1 सितंबर को आरजेडी पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम नेता और कार्यकर्ता राज्य के 32 जिलों में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं राजधानी पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी धरना किया। तेजस्वी पटना हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए गए आरक्षण को दोबारा से लागू करने और संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राज्यसभा सांसद संजय यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जयप्रकाश नारायण, उदय नारायण चौधरी सहित संगठन के तमाम अधिकारी धरने पर बैठे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण को खत्म करना चाहती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए कि केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में आरक्षण को क्यों नहीं डाल रही है। इस दौरान विशेष राज्य के मुद्दे पर भी उन्होंने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब जेडीयू के लोग ताली बजा रहे थे। तेजस्वी ने सवाल किया कि उनसे पूछिए कि विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने अपने कार्यकाल के कामों को गिनाया। उन्होंने कहा कि इसी साल 17 महीने में उन्होंने जातीय गणना कराई, आरक्षण का दायरा बढ़ाया और इसी 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया था। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार के दौरान आईटी पॉलिसी बनाई गई, खेल नीति बनाई गई। उन्होंने कहा कि वो जेडीयू के लोगों को चैलेंज करते हैं, पूछिए उनसे विशेष राज्य के दर्जे पर उनकी जुबान क्यों नहीं खुल रही है। उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाने का मामला आप ही लोग करवाएं, केंद्र में आप पूरी तरह से पावर में हैं, ऐसे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाया जाए। इन सब घटनाक्रम के बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केसी त्यागी के जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफे देने पर कहा कि सभी लोगों को पद चाहिए, लेकिन पद सीमित हैं, जितने पद रहेंगे उतना ही दिया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग एमएलए एमपी तो नहीं बन सकते। बता दें कि केसी त्यागी ने जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से रविवार को इस्तीफा दे दिया। अभी उनके पास पार्टी के मुख्य सलाहकार का पद है।